गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से मुखातिब एक बार फिर से हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। तो देखिए लगातार आज जिस तरह की खबरें पहले सामने आई और सुबह प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से जारी था, राहुल गांधी के समर्थन में मीटिंग हुई और उसके बाद में एक बैठक हुई, बैठक के बाद में मीडिया से मुखातिब हुए, फिर जानकारी राहुल गांधी के दोषी करार दिए जाने की और उसके बाद उनकी सजा से जुड़ी हुई सामने आई, फिर मीडिया से बातचीत की और एक बार फिर से अब आए हैं मीडिया से मुखातिब होने के लिए, रूबरू होने के लिए। प्रताप सिंह खाचरियावास उनके साथ नजर आ रहे हैं, प्रशांत बैरवा वहां पर साथ में है, गोविंद मेघवाल है और पीस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। राहुल गांधी जी महात्मा गांधी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे चल करके देश हित में कार्य कर रहे हैं। उनकी दादी और पिताजी इस देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए। और राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो पूरे देश में निडरता के साथ में अपनी बात रखता है, राष्ट्र हित में काम करता है। और राहुल गांधी जी को जब कहा गया कि या तो आप माफी मांगिए या आप सजा के लिए तैयार रहिए, तो राहुल गांधी जी ने सावरकर की तरह माफी मांगना स्वीकार नहीं किया और सजा को स्वीकार किया कि अगर मैंने कोई गलत बात कही है तो मैं सजा भुगतूंगा, लेकिन मैं कभी न डरूंगा, न झुकूंगा, न माफी मांगूंगा। हमें गर्व है हमारे नेता के ऊपर कि उन्होंने कोर्ट के फैसले को फेस किया, एक महीने के लिए सजा स्थगित का आदेश भी हो गया है। कानूनी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन जो हमारी असली लड़ाई है वो असली लड़ाई है इन फासिस्टवादी ताकतों से जो देश में सत्ता में बैठ गए हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कभी ईडी में बुला करके 5-5 दिन तक परेशान किया जाता है। 80 साल की हमारी नेता सोनिया गांधी जी को, जिसने देश के प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था, त्याग कर दिया था, उस नेता को परेशान किया जाता है। कभी विधानसभा में कांग्रेस के नेताओं को नहीं बोलने दिया जाता जहां पर इनकी सत्ता है, लोकसभा और राज्यसभा में राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं को नहीं बोलने दिया जाता है। ये जो तानाशाही का शासन देश में केंद्र की सरकार मोदी सरकार चला रही है, उसके हम सब लोग निंदा भी करते हैं और हम संघर्ष करने का आज जो शहीद दिवस के ऊपर हम संकल्प लेते हैं, जो शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए अपने देश के लिए, उसी प्रकार इस देश को बचाने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे हमें कितनी भी कठिन परीक्षा देनी पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। हम लोग न डरने वाले हैं न घबराने वाले हैं, हम लोग इनका डट के मुकाबला करेंगे और इनको सत्ता से हटा के रहेंगे। इस देश में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। आज आप बताइए कि सत्ता पक्ष लोकसभा नहीं चलने दे रहा है, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसे लोग सत्ता में बैठ गए जो जानबूझ करके कि कोई सत्य बात लोकसभा में उनके खिलाफ कह नहीं दे, उनकी पोल खोल नहीं दे, उनकी तानाशाही को उजागर नहीं कर दे, उनके भ्रष्टाचार को उजागर नहीं कर दे, इसके लिए वो लोग बाग लोकसभा और राज्यसभा को स्वयं सत्ता पक्ष बाधित कर रहा है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। राहुल गांधी जी ने तो जो लंदन में बात कही वो यही कही कि आज प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को ये लोग कमजोर कर रहे हैं और हमारी बात लोकसभा और राज्यसभा में सुन नहीं रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये हमारा सबका कहना है, हम सब राहुल गांधी जी के उस बात का समर्थन करते हैं और जिस प्रकार से
बेवजह दिल्ली पुलिस नोटिस दे करके और उनके घर पे प्रवेश करने की अनाधिकृत।